आखिर क्यों रसलमेनिया से ठीक पहले सोलो सिकोवा और कॉडी रोड्स का मैच करवाया गया और क्यों इस मैच को ऑफर ब्लडलाइन की तरफ से दिया गया था कॉडी रोड्स को। तो गाइस रीसेंट रॉ के एपिसोड में कॉडी और सोलो सिकोवा का मैच हुआ जिसमें कॉडी की जीत हुई है, लेकिन इसका रीजन क्या था, आखिर क्यों सिर्फ रसलमेनिया से 3-4 दिन पहले कॉडी का मैच करवाया गया वो भी ब्लडलाइन के मेंबर से। और इस मैच को करवाने के लिए WWE ने छोटी सी स्टोरी लाइन बनाई जिसमें कॉडी बोलता है कि सोलो सिकोवा फाइट लड़ने के लिए रेडी नहीं है। और इस मैच में रोमन ने भी पर्सनली इंटरेस्ट दिखाया था और वो मैच का रिजल्ट जान रहे थे पॉल हैमन के जरिए। तो रोमन ने ये मैच एक बहुत बड़े रीजन की वजह से करवाया था। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें लगता है कि रोमन कॉडी रोड्स को मैच से पहले इंजर्ड करना चाहता था, क्योंकि जब सोलो सिकोवा मैच में अपनी पकड़ बना चुके थे उसके ठीक कुछ मोमेंट के बाद द यूसोस की एंट्री होती है और शायद जब सोलो सिकोवा कॉडी पर जीत हासिल कर लेते उसके बाद सोलो सिकोवा और द यूसोस तीनों मिलकर कॉडी रोड्स को पीटने वाले थे, मगर उनका प्लान फेल हो गया और केविन और सैमी ने आकर द यूसोस को भगा दिया। और रोमन का एक और प्लान हो सकता है कि वो कॉडी रोड्स के फाइटिंग मूव्स जान पाए और उनके फाइटिंग लड़ने का तरीका जान जाए जिससे उन्हें मैच में आसानी हो और पता चल जाए कि कॉडी को किस मूव से हराया जा सकता है। और इस मैच में सोलो सिकोवा भी कम नहीं रहे और उन्होंने भी अपना पूरा दम लगाया ताकि रोमन जान सके कि कॉडी को किस फोर्स या किस स्ट्रेटेजी से आराम से बीट किया जा सकता है। तो यही कुछ पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, या तो रोमन कॉडी को इंजर्ड करने वाले थे बहुत बुरी तरीके से जिससे वो रसलमीनिया का मैच न जीत पाए, अगर वो मैच में आए भी तो अपना 100% न दे पाए और वो मैच में जीत हासिल कर ले। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है रोमन कॉडी की फाइटिंग स्टाइल को जानने की कोशिश कर रहा है और वो देख रहे हैं कि कौन सा मूव उनके काम आ सकता है मैच में। तो गाइज आपको क्या लगता है अपना ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही वीडियोस के लिए। धन्यवाद।